हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल 9x। मैं अभिषेक विश्वकर्मा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इवेंट क्या होता है। सबसे पहले जो डिफिनेशन लिखा गया, मैं आपको उसको बताता हूँ क्या लिखा गया। द सेट रिप्रेजेंटिंग द डिजायर्ड आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट जो होता है सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे तो बेटर हम लोग समझ पाएंगे ठीक से। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो पहले आप इसको समझिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि इवेंट क्या होता है। पिछले वीडियो में आपने जाना कि जो सैम्पल स्पेस होगा, जब हम लोग एक क्वाइन को फ्लिप करेंगे, या तो हेड होगा ठीक है, या तो तेल होगा, एक इवेंट, या तो इवेंट हेड होगा या तो तेल होगा। लेकिन इनमें से इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ठीक है, इनमें से ही होगा, या तो हेड होगा या तो तेल होगा। तो आप ये जो देख पा रहे हैं, ये सब जो सबसेट आप देख पा रहे हैं, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये अलग अलग इवेंट हो गया ठीक है। ये H जो है वो हेड इवेंट है, ये तेल इवेंट, मतलब एक इवेंट अलग, दोनों अलग अलग इवेंट हैं ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, जब हम लोग एक कॉइन को फ्लिप, एक जब हम लोग एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो क्या हो सकता है, जो सैम्पल स्पेस होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। तो ये सब आप देख पा रहे हैं, जो 1 लिखा गया है, ये सब क्या अलग अलग इवेंट है ठीक है। बाकी जो आप सैम्पल स्पेस में जितने भी देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखा गया है। तो गाइस, आपको एक क्लियर हो गया होगा कि इवेंट किसको बोलते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रीवियस वीडियो है, जैसे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, उसको देखें। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।